इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शरिया कानून और इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मेलोनी ने दावा किया है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो इटली के इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। मेलोनी ने सऊदी अरब में लागू शरिया कानून की आलोचना करते हुए कहा कि वहाँ एडल्ट्री करते पाए जाने वाले लोगों को पत्थरों से मारा जाता है और वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। मुझे लगता है वहाँ पर जो गलत चीजें हो रही है इनमें सुधार आना चाहिए। आगे जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इस्लाम और यूरोप का कल्चर एक दूसरे के अनुकूल नहीं है क्योंकि हमारी सभ्यता उनसे काफी हद तक अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने यह भी कहा कि वो इटली में कभी शरिया कानून लागू नहीं होने देगी। मेलोनी ने ये सारी बातें उनकी पार्टी के एक कार्यक्रम में कही है। जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये सारी बातें कही उसी कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी मौजूद थे। बता दें 15 जनवरी 1977 में रोम में जॉर्जिया मेलोनी का जन्म हुआ। उनके पिता एक अकाउंटेंट है। रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली के राजनेता तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम इटालियन सोशल मूवमेंट रखा गया था। इस आंदोलन के यूथ विंग में मात्र 15 साल की उम्र में मेलोनी ने काम करना शुरू कर दिया था। वही अगर जॉर्जिया मेलोनी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो आपको बता दें साल 2008 में 31 साल की उम्र में वो इटली की युवा मंत्री बनी थी। इसके 4 साल बाद 2012 में उन्होंने अपनी ब्रदर्स ऑफ इटली के नाम से एक पार्टी बनाई। टीनेजर रहते हुए भी नियो फास्टिस्ट मूवमेंट में शामिल हुई थी। इस मूवमेंट की शुरुआत इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों की ओर से की गई थी। बता दें 2021 में आई एम जॉर्जिया नाम से मेलोनी की एक किताब बाजार में काफी मशहूर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो फासीवादी नहीं है और साथ ही उन्होंने खुद को मुसोलिनी का वारिस भी बताया। मेलोनी ने कहा कि वो इस्लाम को किसी निर्धारित चश्मे के रूप से नहीं देख रही है बल्कि वहाँ की जो समस्या है वो उनका समाधान करने के बारे में सोच रही है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। शुक्रिया।